जय माता रे प्रिया मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राभिषेक या जल अभिषेक हमें सावन के महीने में अपनी राशि के अनुसार कैसे करना चाहिए। अगर हम अपनी राशि के अनुसार जल अभिषेक शिवलिंग पे करते हैं या अपनी राशि के अनुसार हम मंदिर में जाकर अभिषेक करवाते हैं तो हमारे जो भी मनोकामना होती है या हमारी इच्छाएं जो चल रही होती हैं वो इच्छाएं सोचकर अगर आप महादेव का नाम ले रहे हो तो आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बता रहा हूँ पहली राशि के बारे में, मेष राशि वाले जातक अगर गंगा जल से जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो उनकी मनोकामनाएं या उनकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। वृषभ राशि वाले दूध में शक्कर डालकर अगर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो उनकी भी इच्छाएं और उनके काम में जो अड़चने बार बार आ रही हैं तो वो अड़चने देखने को नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वाले जातक अगर गिलोह के रस से अगर जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो उनके जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम चल रही है या उनको कारोबार में पिछले टाइम से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान उनका वहीं के वहीं रुक जाएगा और उनको नुकसान आगे देखने को नहीं मिलेगा। कर्क राशि वाले जातक दूध के अंदर केसर को डालकर और थोड़ी चीनी डालकर अगर कर्क राशि वाले जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो उनके कारोबार में और उनकी इच्छाओं के अंदर कभी भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंह राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक अगर दूध में रोली डालकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो उनके भी अपनी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद बता रहा हूँ कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाले गलों के रस या गन्ने के रस से अगर जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो उनके भी कारोबार में जो परेशानियां हम लगातार देख रहे हैं कारोबार के परेशानियां और उनके घर में कभी भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तुला राशि वाले जातक दूध के अंदर शक्कर डालकर थोड़ी मिश्री डालकर दही डालकर अगर अभिषेक करते हैं तो उनकी कारोबार में और उनकी जो भी इच्छाएं और मनोकामना को सोचकर करेंगे वो बहुत जल्दी पूर्ण होगी। वृश्चिक राशि वाले दूध के अंदर थोड़े गुलाब की पंखुड़ी डालकर और रोली डालकर अगर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो उनके भी कारोबार में और उनकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम जो चल रही है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ धनु राशि वाले बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है क्योंकि गुरु की राशि होती है, ज्ञान की राशि होती है। अगर दूध के अंदर केसर डालकर अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हो तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम और आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं बता रहा हूँ मकर राशि वाले दूध में दही मिलाकर अगर अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग पर तो उनके भी कारोबार और उनकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुंभ राशि वाले जातक दूध में शक्कर चीनी और मिश्री मिलाकर और दही मिलाकर अगर अभिषेक करती हैं तो उनको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। उनके कारोबार में उनके परेशानियां जो चल रही हैं या उनके घर में कोई छोटी छोटी बात पर कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने आप उनकी डिस्प्यूट वो है सारे ठीक हो जाएंगे और उनके कारोबार में कभी भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब मीन राशि वाले दूध में अगर हल्दी डालकर जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो उनके भी बनते हुए काम में कभी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ये अभिषेक जो होते हैं शिवलिंग पर सावन के महीने तो आप कर सकते हैं जब आपका मन करे, नहीं तो प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार के दिन आप जरूर करें। इससे अगर किसी की मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज के काम बनते बनते उनके रुक रही है, विवाह में विलम्ब हो रहा है तो वो अड़चने भी दूर हो जाएंगी। काल सर्प योग अगर आपके जीवन में ज़्यादा परेशान कर रहा है या काल सर्प योग का निवारण आप नहीं करवा सकते तब भी आप अगर अभिषेक अपनी राशि के अनुसार करते हो तो आपके जीवन में समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ये अभिषेक अगर आप अपने मन से श्रद्धा भावना से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करोगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।